हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डायरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए इंटरनेशनल रिलेशन। और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार 2022 में जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2021 में IR थ्योरीज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसी में हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिलोसोफर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए थे, उसको भी देख लेंगे। देखिए, होता क्या है कि हर एक बार जब भी स्टूडेंट का कॉल आता है IR के प्रिपरेशन के लिए, तो एक पहला सवाल यही हो जाता है कि क्या बेली सेन स्मिथ पढ़ लेने से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेली सेन स्मिथ आपके IR थ्योरीज को बहुत ही अच्छे से डील करता है। बाकी IR की थ्योरीज को हम लोगों को कैसे कवर अप करना है, कहाँ कहाँ से कवर अप करना है, इस पर हम लोग सेपरेटली आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बेली सेन स्मिथ पढ़ लेने से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आप सॉल्व कर पाइएगा, या एंट्रेंस एग्जाम कवर अप हो जाएगा, क्लियर अप हो जाएगा, तो इसी के बारे में आज देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि IR थ्योरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उनका क्या क्या स्कोप है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने डेप्थ में होते हैं, डिफिकल्टी लेवल कितनी होती है, उन सारे चीज़ों को ही हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2022 में आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है आपको पता चलता है। मैं बता दूं कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, प्रीवियस पेपर्स होते हैं, UGC के पेपर्स होते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आपको कॉल या मैसेज करना है, हम लोगों का नंबर है 8448878849। और इसके साथ ही आप जो है जनरल प्रिपरेशन के लिए भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग आपको सारा जो भी सपोर्ट है, हेल्प है, सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं IR थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो भी आप रेफरेंस मटेरियल अभी तक आपने रेफर किया है वो कितना हेल्पफुल है इन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि 1980s और 1990s में मेथोडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, विच इन्फ्लुएंस्ड इंटरनेशनल रिलेशन अदर सब्जेक्ट्स बाय चैलेंजिंग वेदर ऑब्जेक्टिव वैल्यू फ्री इंक्वायरी इनटू ह्यूमन बिहेवियर वाज रियली पॉसिबल, तो इसमें कौन सा था जो यू नो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आप बोल सकते हैं जो इमर्ज हुआ बिटवीन 1980s और 1990s के डिकेड में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से भी देखना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियलिज्म डेवलप्ड एज अ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ठीक है, तो यूजुअली हम लोग आइडियलिज्म बोलते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि रियलिज्म किस पीरियड में स्टार्ट हुआ था। यूजुअली यू नो रियलिज्म इज कनेक्टेड विद 19 या तो आप सेकेंड वर्ल्ड वार बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये फिर ये भी देखना है कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वार, क्या आप इसको लिबरलिज्म से एसोसिएट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल रियलिज्म से रिलेट कर सकते हैं, तो वो क्लियरिटी होना ज़्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ट्रेडिशनलिस्ट आर वेरी सेप्टिकल अबाउट द वेरी एग्जिस्टेंस और स्पेसिसिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो आपको ग्लोबलाइजेशन के किस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज ने इंटरप्रेट किया है उस चीज़ को जानना जरूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कोल्ड वार रिलेटेड इशूज जो मैंने अभी डिस्कस किया वो आ गया है। रियलिज्म एज ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वॉज सब्जेक्ट टू स्कैथिंग क्रिटिसिज्म इन द कोल्ड वार एरा, रियलिज्म फेल्ड टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल चेंजेज इन इंटरनेशनल सिस्टम एंड कॉम्प्रिहेंड इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हमने देखा है कि कोल्ड वार के टाइम में किस तरीके से UN एज ए इंस्टीट्यूशन बिकेम रियली वेरी पावरफुल, वहीं लीग ऑफ नेशंस का जो है हमने फेलियर देखा था, इसलिए रियलिज्म ने बोला था कि इंटरनेशनल लेवल पे एनआरकी है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है, कंट्रीज दे डू नॉट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर,
लेकिन दैट पर्सपेक्टिव चेंज्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो ईएच कार डिसअप्रूव आइडियलिज्म. तो इसमें ये भी देखना है कि जैसे क्लासिकल रियलिस्ट में कौन कौन से लोग हैं जो जिसको हम लोग क्लासिकल रियलिस्ट बोलते हैं, उसमें एक ये भी है. अक्सर मान लीजिए अगर इंडिया से या इंडियन फिलोसोफर के रूप में अगर हम देखते हैं जहाँ पे आईआर की बात की जाती है तो कौटिल्य, और यहीं पे इनका जो मंडला सिस्टम है उनके बारे में अक्सर आता है. तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेना ही इम्पॉर्टेंट है. और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जा सकता है, जाता है कि कौटिल्य को कौन से वेस्टर्न फिलोसोफर के साथ कंपेयर किया गया है. एक हिंट, जिन्होंने द प्रिंस लिखा है. की डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल रियलिस्ट एंड रैशनल चॉइस रियलिस्ट, क्या डिफरेंस है? तो रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. तो रैशनल चॉइस रियलिस्ट जो है अब रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को तजब्बू देते हैं, लेकिन वही स्ट्रक्चरल रियलिस्ट अभी भी बिलीव करते हैं कि वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और उसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं. इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, सब स्ट्रक्चरल रियलिस्ट किस तरीके से ऑपरेट करता है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आपके मान लीजिए यूएसए के पास भी है और ये नॉर्थ कोरिया के पास भी है, लेकिन यू नो द ओरिएंटेशन अप्रोच ऑफ लुकिंग एट न्यूक्लियर वेपन हैविंग पोजेस्ड विद जो नॉर्थ कोरिया के पास है, तो हम लोगों का ओरिएंटेशन ऑब्जेक्टिव वो चेंज हो जाता है. लेकिन यूएसए के पास है तो हम लोग उसको एज ए थ्रेट नहीं देखते हैं. यू नो दिस इज द अबाउट द स्ट्रक्चर विच हैव बीन डिस्कस्ड बाय केनेथ. उस चीज को हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं. अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आईआर थ्योरी से पूछ लिए जाते हैं, एंड दैट इज रिगार्डिंग थ्योरी प्रपोज्ड एंड थिंकर्स. तो इसका भी आप लोगों को लिस्ट बना लेना है. और मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स या अगर आप एंड्रू हेवुड को देखते हैं तो ये चीज आपकी कवरअप हो जाती है. अगेन है आपकी थ्योरी प्रपोज्ड एंड थिंकर्स. तो ये और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए कि दो से तीन क्वेश्चन जो है आपके थ्योरीज या थिंकर्स से आते ही आते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दिया है. फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड वार किसने क्वाइन किया था, या हुआ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद कोल्ड वार. या फिर अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी दूसरे थ्योरीज को लेके कर लीजिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल रियलिज्म, सो हु आर द पीपल एसोसिएटेड ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, उससे कौन 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 से साइंटिस्ट एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी डिलेमा किसके द्वारा दिया गया, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किसके द्वारा दिया गया. सो दीज आर सम ऑफ द यू नो टर्मोलॉजीज, जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हैं तो इन सारे टर्मोलॉजीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. अगेन क्वेश्चन रिगार्डिंग फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन रेजेज द इशू ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये एक जेनरिक क्वेश्चन है, नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू आंसर. हाँ, फिर ये आपका वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है. द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर कैनॉट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस. इसमें आपको देख लेना है कि बैलेंस ऑफ पावर को लेकर जैसे अगर हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म में बैलेंस ऑफ पावर को किस तरीके से आर्ग्यू किया गया है, केनेथ वाल्स ने कौन से सिस्टम को मोस्ट स्टेबल सिस्टम माना है, बाइपोलर यूनिपोलर मल्टीपोलर, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस जो है यूजुअली पूछ दिए जाते हैं. अगेन दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि आईआर के जो ग्लोबल थॉट्स हैं उससे रिलेटेड है. एनआईईओ का है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो इसी में हम लोगों ने उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं यहाँ पे डाला है, उसको हम लोग सेपरेटली डालेंगे. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो जाता है, आईएमएफ हो जाता है, या ओईसीडी हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस होता है, तो उसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे. अगेन विच इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोच कंसीडर स्टेट टू बी द बेस्ट सोर्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल्स रियलिज्म. तो अगेन थोड़ा सा कोर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है.
तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सारे जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के जो थॉट्स हैं उसको आप अच्छे से उसके इंटरप्रिटेशंस को देख लीजिए कि स्टेट का क्या बेसिस है, मार्क्सिज्म किस तरीके से इंटरनेशनल कैपिटलिज्म को एज ए बेसिस मानता है, और वहीं से वो उनका आर्ग्यूमेंट है कि इंटरनेशनल कैपिटलिज्म ही आपके जो सुप्रीमेसी को डिफाइन करता है। अगेन एक जो दूसरा है, जैसे एक हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड आईआर थ्योरीज एंड थॉट्स, यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स आ जाते हैं। तो आईआर से आईआर के अगर आप पेपर देख रहे हैं तो 2-3 बुक्स एंड ऑथर्स दैट टू वेरी स्पेसिफिक टू इंटरनेशनल रिलेशन बुक्स एंड ऑथर्स, यूजुअली बुक्स एंड ऑथर्स और भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें इंडियन हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर्स भी होते हैं, पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हम लोग मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा जो बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन आईआर थ्योरीज से रिलेटेड जो जितने बुक्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा टर्म कौन से बुक में क्वाइन किया गया, फॉर एग्जाम्पल न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म, केनेथ वाल्ज ने जो टर्म किया था क्वाइन किया था कौन से बुक में ओरिजिनेट हुआ था, या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कम्युनिटी एंडरसन, वो कौन सा बुक है या कौन से ऑथर है। तो बुक्स एंड ऑथर्स तो आपको क्लियर होना चाहिए, और बुक्स एंड ऑथर्स के साथ साथ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि उनके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो पॉलिटिकल थ्योरीज के जो 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस को रेज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक गैप, ये भी काफी जेनरिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स सबको मिला भी लेते हैं, आप टोटल देखिएगा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 14 है। आईआर से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 14 है, और दिस इंक्लूडिंग योर बुक्स एंड ऑथर्स थ्योरी एंड द पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड इट, और एक जो ग्लोबल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को लेकर जो क्वेश्चंस पूछ लिया गया, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, या फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ डिबेट हो जाता है, साउथ साउथ डिबेट हो जाता है, या साउथ साउथ डायलॉग हो जाता है, ऐसे उसको हम लोग सेपरेटली भी कवर अप करेंगे, लेकिन उन सबको ले के भी आप देखिएगा तो सिर्फ 14 क्वेश्चन आपके रेज हो रहे हैं, और ये 2021 का क्वेश्चन है। हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि 2020 और 2021 में किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, उनके डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से चेंज हुआ है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस तरीके से उसके डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया गया है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस तरीके से इन्हांस हुआ है, क्वेश्चन का स्कोप किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने देखा है जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ते चला जा रहा है, और जितने आप लोगों ने क्वेश्चन 19, 20, 21 का देखा होगा तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक सवाल होता है कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज हैं, तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में अराउंड 14 क्वेश्चन आपके आईआर थ्योरीज से रिलेटेड है, जिसमें इंक्लूड हो रहा है बुक्स एंड ऑथर्स। तो आप समझ सकते हैं कि आईआर थ्योरीज में आपको कितना समय देना चाहिए। तो एक चीज़ मान लीजिए कि अगर आप आईआर थ्योरी प्रिपेयर करने के लिए बैठ रहे हैं तो मिनिमम या मैक्स टू मैक्स आपको 10-15 क्वेश्चंस आप इमेजिन करके चलिए कि 15 तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। इसलिए आईआर जो है एक नेसेसरी टॉपिक है लेकिन सफिशियंट टॉपिक नहीं है। ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये पढ़ लेते हैं बेलिसन स्मिथ या ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेयूड और आप सोचिए कि एग्जाम क्रैक हो जाए, और यही पर्पस है कि टॉपिक वाइज आप लोग के साथ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने का, सो दैट कि आप ये सारे टॉपिक को जब देखते हैं डिटेल में देखते हैं ब्रेक करके देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए दो बुक हम लोगों की तरफ से जो मेरे तरफ से रिकमेंड किया जाएगा, एक है आपका बेलिसन स्मिथ का और दूसरा है आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेयूड, आप दोनों ही देख लीजिए।
लेकिन सवाल होता है कि इसको पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन्होंने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस नहीं निकल के आ रहे हैं, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए जो प्रोफेसर जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो बेलिस एंड स्मिथ निकाल के नहीं बनाते हैं, उनके पास एक वाइड रेंज होता है जहाँ से वो क्वेश्चन को डेवलप करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो क्वेश्चंस आईआर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अप्रोच को देखना है। अगर एसर्शन रीजन के टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एसर्शन रीजन में किस तरीके से, किस ऑब्जेक्टिव के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। हाँ, सबसे आसान हो जाता है थ्योरीज और उनके प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बुक्स एंड ऑथर्स कौन कौन से हैं। तो ये करीब करीब आप लिस्ट बना लीजिए, जैसे थ्योरीज या थ्योरीज के साथ साथ जो टर्म जो क्वाइन किया गया है वो टर्म कौन से बुक में क्वाइन किया गया है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी डिलेमा या कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इमेजिन कम्युनिटीज, तो ये कौन कौन सी बुक में आई है वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो प्रिपरेशन जब भी आप करने के लिए बैठ रहे हैं तो आप भी ये काम कीजिए कि इस तरीके से टॉपिक वाइज जो है आप अपने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लीजिए, फिर देखिए कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज होता है, ये सारा हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल में बना के प्रोवाइड करते हैं। सेपरेट टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज के लिए पीडीएफ दिया जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स के पीडीएफ दिए जाते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मान लीजिए आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इम्पॉर्टेंट हम लोग वीडियोज अपलोड करते हैं आप उसको देखें, आप अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्लान किया कि आने वाले हर एक दिन जो है हम लोग एक एक टॉपिक को उठाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को, फिर उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको इस बार देख लेना है टॉपिक वाइज भी हम लोग, और फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो देखना जरूरी हो जाता है, तो उस तरीके से भी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मान लीजिए स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग 8448878849 इस पर कॉल या मैसेज कीजिए और हम लोग आपके सारी क्वेरीज का आंसर करेंगे। और इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो है आईआर, पीएसएम, पॉलिटिकल साइंस, साउथ के लिए भी हम लोग ने इस पर 10 सेट का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, यूजीसी पेपर्स, किसी के लिए भी आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, और फिर हम लोग सारा इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको प्रोवाइड। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट।